अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बीके वर्सेस यहाँ पर डीईवी के बीच में होने वाले आज के जो हंगरी टिटन का चौथा मुकाबला खेला जाएगा जो कि खेले जाने वाला है 6:45 पर। दोस्तों इस मैच को कवर करेंगे, इस मैच से जुड़े उन सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे कि आखिर में इन दोनों ही टीमों की तरफ से कौन कौन से बल्लेबाज आपको किस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, कौन सा गेंदबाज अपने कंप्लीट कोटे के 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करके देगा, पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, कितना स्कोर बन सकता है, कौन से बॉलर को अपनी टीम में हमें शामिल करने चाहिए जो कि हमें बॉलिंग से विकेट निकाल के देते। यहां पर हर एक प्लेयर के बारे में पूरी डीपली नॉलेज आपको देके चलूंगा जिसकी मदद से आप चाहो ना तो यहां पर स्मॉल लीग की टीम बना रहो, चाहे स्मॉल लीग की टीम बना रहो, चाहे ग्रैंड लीग की टीम बना रहो, दोनों ही कंसर्न में ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करेगी। आपको बस एक ही चीज का ध्यान देना है, अभी जो हम इस वीडियो में टीम बनाएंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स को देखते हुए, रिकॉर्ड्स को देखते हुए एक डेमो टीम बनाएंगे, फाइनल टीम नहीं बनाएंगे। बिकॉज मेरे भाई आपको पता है कि 10 ओवर का गेम है और रिस्की होते हैं, तो ऐसे में देखो बैटिंग ऑर्डर जब ऑफिशियल निकल के आएगी 30 मिनट पहले, बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए जो मेरी फाइनल टीम बनती है ना आपको स्क्रीन शॉट की मदद से इस तरीके से हम सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर से कर लेना, बहुत सारे लोग पहले ज्वाइन करके रखे हैं, अच्छी खासी विनिंग कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाना, इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने मैच के बारे में। देखो बीके वर्सेस यहाँ पर डीवी के बीच में मैच होगा, पिच रिपोर्ट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आखिर में क्या कुछ रहेगी पिच रिपोर्ट, तो ध्यान दीजिएगा। देखो सेमली आपको बता दूं बिल्कुल एक ही ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है जो कि जीवी ओवल का ग्राउंड है, तो जीवी ओवल के ग्राउंड पर ही लगातार मैचेस हो रहे हैं जहाँ पर बैलेंस पिच आपको देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ी सी बल्लेबाजी अब इंक्रीजमेंट हुई है, जहाँ पर अच्छे बल्लेबाज अब दिख रहे हैं वहाँ पर आपको स्कोर बनते हुए नजर आएगा। 104 का एवरेज स्कोर है तो आप मान सकते हो कि 110 से लेकर आपको 125 के आसपास का स्कोर देखने को मिलेगा, तो इसी के बीच में आपको स्कोर देखने मिलता है। कोई अगर बल्लेबाज बहुत ज्यादा अच्छा खेल जाए 80-90 रन की पारी खेल जाए तो वहां पर आपको स्कोर अधिकतम भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज आपको पता है कि 10 ओवर का मैच है और हिटिंग होती है यहां पर। देखो फास्ट बॉलर को अपनी टीम में आपको शामिल करना चाहिए बिकॉज फास्ट बॉलर ही आपको अधिकतम विकेट निकालते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको फास्ट बॉलर को ही लेकर चलना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो अभी लास्ट के जो 5 मैच हुआ है ना, लास्ट के 5 मैचों को जोड़ दिया जाए 44 विकेट गिरे थे जहां पर 32 विकेट निकाला है फास्ट बॉलर ने और 12 विकेट निकाला है स्पिन बॉलर ने, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा यह कहता है कि फास्ट बॉलर आपको अधिकतम विकेट निकाल के दे रहे हैं। तो देखो जहां पर आपको एक फास्ट बॉलर लेना हो, एक स्पिन बॉलर लेना हो, फास्ट बॉलर को अपनी टीम में शामिल करना, हो सकता है आपको स्पिन बॉलर के बदले जहां पर आपको स्पिन बॉलर एक विकेट निकाल के दे दे वहां पर फास्ट बॉलर आपको 2 विकेट निकाल के दे सकता है। बिकॉज देखो आपको बता दूं 12-36 यानी 3 गुना अधिक विकेट निकाल रहे हैं फास्ट बॉलर, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। देखो बीके की बात करते हैं ना, बीके ने अभी तक 3 मैचेस खेले, अभी तक दोनों टीमें आमने सामने कभी नहीं आई हैं, लेकिन पहला मुकाबला खेल रही है। बीके की टीम ने 3 मुकाबले में 2 मुकाबले जीती है जबकि 1 मैच को हारी है, जबकि डीवी की टीम ने 5 मुकाबले खेले और 1 ही जीती है और 4 हार के आ रही है, तो कहीं ना कहीं कमजोर टीम है और डीवी की टीम, बट अच्छा करती हुई नजर आ सकती है, तो चौंकिएगा मत बिकॉज इनके भी बल्लेबाज अच्छा खेल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग में, बैटिंग ऑर्डर को जान लेते हैं। देखो बीके की तरफ से आखिर में कौन सा बल्लेबाज कहां पर खेलता है, कितने नंबर बल्लेबाजी करता है, कितने ओवर कैप को बॉलिंग करके देता है, और आखिरी के मैचेस में लास्ट के जो 2 मैच है ना लास्ट के किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा है, उसके नाम के आगे मेंशन मैंने कर दिया तो आपको देखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। बात करते हैं बीके की तरफ से, बिकॉज आपको पता है मेरे भाई 10 ओवर के गेम में लास्ट के 2 मैच देखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाते हैं, कोई 1 ओवर कर देता है तो कोई बॉलिंग ही नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत जरूरी है कि क्या करके आ रहा है ना। बीके की तरफ से जान लेते हैं, शिव तंदेला ओपन करेंगे, सैंडी रहेंगे ओपन करते हैं, नजर आएंगे दोनों ही, और यहां पर देखो शिव तंदेला बता दूं अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनकी टीम थोड़ी सी कमजोर है फिर भी अच्छा खेलते नजर आ रहे हैं। 27 की पारी खेली लास्ट मैच में, उससे पहले 0 की पारी खेली। सचिन मेंडी ने 14 का स्कोर किया, उससे पहले 2 का स्कोर किया। गोवर्धन ने अच्छा कर रखा है, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले, उससे पहले 11 रन के स्कोर भी किया, और यहाँ पर देखो लास्ट में मतलब बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों करते हुए नजर आएंगे, इन पर फोकस करना, कैप्टनसी विशेष मटेरियल मिलेंगे। अकुला का कुछ खास रोल रहता नहीं, नंबर 4 पर खेलते हैं, ये कुछ खास नहीं कर पा रहे। उसके बाद से परिदास आपको अच्छा करते दिख सकते हैं बिकॉज पार्ट टाइम गेंदबाजी कर रहे हैं। रविंद्र अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे। वहीं पर विमुष्टि की बात करते हैं, 1 मैच में इन्होंने 4 विकेट भी निकाला था, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, विकेट टेकर बॉलर है, विकेट निकाल लेते हैं। मैं बात करूँ इनकी टीम की तरफ से बॉलिंग इंफॉर्मेशन की, आखिर में कौन 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करेगा। देखो रामाचंद्र आपको 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करते हैं, गोवर्धन आपको 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करते हैं, उसके बाद से जैसा यहां पर देखो शिवा ये आपको खेलते अब नजर आ रहे हैं जो कि 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करेंगे, विमुष्टी आपको लगातार 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे, और ये आपको लगातार 2 ओवर की बॉलिंग, मतलब ये 5 ही बॉलर आपको 2 ओवर की बॉलिंग करते हैं। पार्ट टाइम गेंदबाजी करना हो तो यहाँ पर इनको 1 ओवर की बॉलिंग मिल जाती है, तो किसी का भी ओवर कटेगा जो महंगा साबित होगा, जिनकी पिटाई हो जाएगी उनके ओवर कट के इनको मिल सकता है, बाकी ये खेल नहीं रहे, खेलेंगे तो इन्होंने बॉलिंग किया था, मैंने इनके नाम के आगे लिख दिया है। अब देखो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात कर देते हैं। देखो बीके की तरफ से सचिन तंदेला आपको अच्छे ऑप्शन आएंगे, गोर्थन अच्छे ऑप्शन आएंगे, उसके पास दोगे ना
यहाँ पर से, यहाँ पर आप मान सकते हो चंद्रा को, इनके सभी बॉलर को आप मान सकते हो, बिकॉज इनके बल्लेबाज जो मिडल ओवर के हैं कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ग्रैंडली के लिए आपको यहाँ पर इन पर ध्यान देना है, जो कि यहाँ पर परिदास पर, जो कि बैटिंग के साथ में नंबर छः पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। अब देखो इनकी टीम की तरफ से, डीबी की तरफ से कौन सा बल्लेबाज कहाँ पर खेलता है, कितने नंबर बल्लेबाजी करता है, कितने ओवर की बॉलिंग करता है, आखिरी के मैचेस में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखो इनकी टीम थोड़ी सी मजबूत भी है, कमज़ोर भी है, मतलब कैसे कह सकते हो कि बिकॉज बल्लेबाज अच्छे हैं और ऑलराउंडर भी आपको देखने को मिले हैं जो कि अच्छे खासे रोल निभाते नजर आएंगे। देखो एम खान की बात करते हैं, लास्ट मैच में 39 की पारी खेली, उससे पहले 18 की पारी खेली, 6 रन का स्कोर, 13 का स्कोर सजाद ने किया, नवाज ने किया। उस्मान यहाँ पर देखो नंबर 3 पर खेलते हुए 20 का स्कोर किया, फिर 27 का स्कोर किया, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अहमद खान आपको कप्तान के रूप में देखेंगे और कैप्टनसी वैसे मटेरियल रहेंगे, बिकॉज नंबर 4 पर खेल रहे हैं, 2 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। नूरी ने अच्छा विकेट निकाल रखा है, हबीब ने अच्छा विकेट निकाल रखा है, इकबाल ने अच्छा विकेट निकाल रखा है। गौरी को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया बिकॉज अभी एक करंटली मैच खेल रहे हैं और यहाँ पर एच नजीर मैच खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों मैच खेल रहे हैं अभी रिसेंटली में, तो इनका रोल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये बैटिंग करेंगे केवल, और यहाँ पर यू गैरी आपको 2 ओवर की लगातार बॉलिंग करते नजर आएंगे, तो इन पर फोकस करना आप लोग। देखो इनकी टीम की तरफ से मैं बता दूं आपको, इनकी टीम की तरफ से जो बॉलर इंफॉर्मेशन है, इकबाल रहेंगे आपको 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे, अहमद खान आपको 2 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, नूरी आपको बॉलिंग करेंगे 2 ओवर की, हबीब आपको 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करेंगे। अब गौरी खेल रहे हैं तो गौरी आपको 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, तो इन पर फोकस करना। ये 5 लोग आपको 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे। टी हाफिज अभी नहीं खेल रहे, बेंच पर बैठे हैं, इनकी इन्होंने जब खेले थे तो ओपन करने आए थे टी हाफिज, और यहाँ पर 1 ओवर की बॉलिंग किए थे और इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस इस तरीके से था। तो ध्यान देना जब खेल जाएंगे, अगर मान के चलो अभी रिसेंटली जो मैच हो रहा है ना उसमें नहीं खेल रहे, अगर खेल जाते हैं तो परफॉर्मेंस यहाँ पर देख लीजिए, बॉलिंग से केवल 1 ओवर किया था, तो ये भी आप देख लीजिए। अब दोस्तों हर एक प्लेयर के बारे में डीपली नॉलेज लेने के बाद, हर एक प्लेयर के बारे में डीपली जानने के बाद हमारी टीम बनती इस प्रकार से। जहां पर ये स्मॉल लीग की टीम है, ग्रैंड लीग की टीम, ध्यान दीजिएगा कैप्टनसी विषय की हम बात करेंगे, बिकॉज यहां पर जो हमने उसी बल्लेबाज या फिर उसी गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल किया है जो कि मैक्सिमम पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। कैप्टनसी विषय की बात करते हैं, आपके लिए बेहतरीन कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शन कौन से रहेंगे। अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूं, यहां पर ए खान आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे, जी पालन स्वामी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे, उसके बाद से विकेट टेकर बॉलर जो कि आपको बता दूं यहां पर एस रामचंद्रा, ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, मोस्टली भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे क्योंकि ये मेन प्रॉपर बॉलर हैं ये दोनों, तो ये ग्रैंड लीग में ट्राई करना इनको। स्मॉल लीग के लिए आपके लिए जी परन स्वामी और वाइस कैप्टन सी ए खान, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। मेरी कप्तान जाते हैं यहाँ पर जी परन स्वामी को, जो कि गोवर्धन परन स्वामी, और यहाँ पर वी सी रहेंगे ए खान, इनको करके चलूंगा। देखो हो सकता है इस टीम में कोई बदलाव हो जाए, आपको क्या करना है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, बिकॉज हो सकता है मैं किसी एक बॉलर को ड्रॉप करके यहाँ पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि अच्छा खेल रहे हैं उनको मैं शामिल कर सकता हूँ, तो ये बदलाव मैं कर सकता हूँ। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा, जो भी ऑफिशियली बैटिंग ऑर्डर निकल गया है ना उससे के हिसाब से अपडेट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसी टीम को ला के ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।